अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए प्यारी सी और रियल सी पराठे कीमा पराठे की रेसिपी लेके आए, चिकन कीमा पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये सुबह का व्यू आप देखें माशाल्लाह से, वो सामने उस्ताद आसफ जो हमारे मेन शेफ हैं। तो अभी हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी इस तरह की है। हमने एक केजी एक मुर्गी का हमने कीमा लिया है, तकरीबन ये एक केजी होगा। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची चॉप कर ली थी और दो प्याज, एक अदद अंडा लिया हमने। मसालों में हमने ये लिया ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, चना साल्ट 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, सूखा हुआ गोटा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया इसमें। अभी हम इन मसाला जात और कीमे को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमारा कीमा बन के रेडी है, चिकन कीमा बन के रेडी है। अभी हम इसके बनाएंगे पराठे। अपना ध्यान रहेगा, चिकन के कीमा बनाने के बाद इसको कम से कम आधा घंटा या 10 मिनट तो लाजम इसको फ्रिज में रखें। तो फ्रिज से रखने से ये होगा, अभी इसमें जो थोड़ी बहुत पानी होगा या थोड़ा बहुत इसका जो पतलापन होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और पराठे अच्छे बनेंगे। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए उधर रख देंगे, और इसके साथ जो हम एक रियल स्पेशल चटनी बनाएंगे वो आप नोट करिएगा। फ्रेंड्स, हमारी जो चिकन पराठे के साथ हमारी जो चटनी स्पेशल चटनी है उसको मैं आपको बताता चलता हूँ। हमने लिया है थोड़ा सा धनिया, पुदीना, स्मॉल साइज प्याज, 5 अदद हरी मिर्च और टमाटर हमने ले लिए हैं 2 अदद। हम पानी ऐड नहीं करेंगे, जो टमाटर काट के टमाटरों के ही जो पानी होता है उसमें ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद हम इसको ऐसा ही ग्राइंड नहीं करेंगे, हम इसमें इस टमाटरों को जलाएंगे। ये जला के इसमें जो ऊपर वाला इनका छिलका है, इनकी ऊपर वाली स्किन है, वो जला के निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमने टमाटर जला लिए हैं, जला के इनका ये ऊपर वाली जो स्किन थी इससे देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी स्किन उतरी है, हमने जला लिए थे। ऊपर की जो स्किन है वो खुद ब खुद उतर जाती है, तो थोड़ी बहुत अगर इसमें रह भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं, डोंट वरी। तो अभी हम इसको अच्छी तरह धो के, तो फिर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक ही ऐड करके और इसको ग्राइंड करेंगे। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमारी चटनी बन के रेडी है माशाल्लाह से। आप उसको ट्राई करेगा, पराठे के साथ ट्राई करेगा, आप इसको रोटी के साथ पराठे के साथ आप ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ये आपसे रेसिपी कैसी बनी। अगर आपसे ये रेसिपी सही नहीं बन रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हम आपको रेसिपी चेंज करके भी देंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मौसम में ऐसा व्यू बना हो और पराठे ना हो, ये किधर की बात है। इस मौसम में हम बनाएंगे पराठे और एंजॉय करेंगे। आप भी पाकिस्तान में धुंध पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, एंजॉय करें पराठे बना के। तो फ्रेंड्स, हमने आटा बनाया नहीं था, आटा पराठों वाला ही हम इसमें ऐड करेंगे। हमने ये टिक्की मार ली है, अब इसमें इतना कीमा डालेंगे और इसको यूं करके फिर से पकड़ेंगे, यूं इसी तरह हम सारे पराठे भर लेंगे। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमारा कीमा पराठा बन के माशाल्लाह से रेडी है, बहुत प्यारा बनाया हुआ, चटनी साथ में दही और ये भी साथ में चटनी माशाल्लाह से। देखिए, आपको अंदर से भी इसका दिखाऊंगा माशाल्लाह से, देखिए बहुत प्यारा बना हुआ।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा आज की मेकअप पराठा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली के साथ शेयर करें।